हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 दोस्तों आज फिजिक्स का 500 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आज हम लोग पार्ट 6 नहीं दोस्तों 7 वीडियो आज हम लोग देखने वाले हैं। यानी कि दोस्तों इससे पहले मैंने पार्ट 6 तक के वीडियो बना दिए हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर क्वेश्चन है जो इस बार के जो क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन जो मॉडल सेट जो होता है ना दोस्तों जो बिहार बोर्ड जारी करता है एग्जाम से पहले, वो वाला भी क्वेश्चन है। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो, एकदम मज़ा ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चले दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करा रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो और कोशिश करो 35 ऑब्जेक्टिव पीरियड हम का दोस्तों सही करने की। सब लोगों को पता है दोस्तों मैं 35-35 करके दोस्तों आप लोगों को 500 गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगा दोस्तों, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे। ठीक है दोस्तों, एकदम 500 ऑब्जेक्टिव पढ़ लोगे दोस्तों एकदम पक्का कहते हैं 35 ऑब्जेक्टिव आपको पक्का एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये कहता है कि एक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है, ठीक है दोस्तों, किस पर डिपेंड करता है। ऑप्शन में दिया गया दोस्तों लेंथ लंबाई पर, ऑप्शन बी में दिया अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, ऑप्शन सी में दिया गया द्रव्यमान पर, ऑप्शन डी में दिया गया पदार्थ की प्रकृति पर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों लाए हो तो एकदम बिल्कुल आपका सही उत्तर है, यानी कि डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं, यानी कि पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि एक तार के जो विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है दोस्तों पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इसका आंसर बतला दिया हो तो आशा आप सभी लोग बतला सकते हो इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। चलिए कहता है दोस्तों किर्क हॉफ, ठीक है दोस्तों किर्क हॉफ या किरचॉफ का बिंदु नियम जो होता है, बिंदु नियम निम्नलिखित में से कौन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि को संरचित आती है। किर्क हॉफ का बिंदु नियम जो होता है दोस्तों उसमें निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि संरक्षित रहती है। ऑप्शन में दिया गया ऊर्जा, सॉरी दोस्तों ऊर्जा, ऑप्शन में दिया आवेश, ऑप्शन सी में दिया संवेग, ऑप्शन डी में दिया द्रव्यमान। तो देखिए दोस्तों किर्क हॉफ का बिंदु नियम की बात करेंगे तो इसमें दोस्तों आवेश को संरक्षित किया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बी वाला स्टूडेंट बिल्कुल आपका सही जवाब है। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर दमका सकते 90% बुकों में इसका गलत जवाब दिया हुआ रहता है, लेकिन मैं इसका सही उत्तर बतलाऊंगा दोस्तों, लेकिन सही उत्तर बतलाऊंगा तो एग्जाम में वही मार्क आओगे जो मैं बतलाऊंगा। आप लोगों को दोस्तों लग रहा होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, पहले आप लोग कन्फर्म कर लो क्या हो जाएंगे इसका सही आंसर है। पहले क्वेश्चन को समझिए, कहता है कि धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। देखिए दोस्तों धारावाहिक जो होता है, धारावाहिक चालक का दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन की गति जो होती है दोस्तों, इसमें जो इलेक्ट्रॉन की गति होती है दोस्तों इसमें कैसी होती है, आप लोगों को यही बताना है। धारावाहिक चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है दोस्तों वो कैसी होती है। ऑप्शन में दिया गया समरूप, ऑप्शन में त्वरित, ऑप्शन में एक औसत वेग, ऑप्शन डी में दिया गया दोस्तों आत्मांदित। तो इसका सही उत्तर की बात करें दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल भी नहीं होगा, कदापि भी नहीं ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है ना, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। आप लोग दोस्तों आप सोच रहे होगा तो होगा क्या, ऑप्शन डी होगा, लेकिन ये भी नहीं होगा दोस्तों। अब आप समझो यहाँ पर दोस्तों त्वरित कई बुकों में आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन ये गलत जवाब है दोस्तों, आप लोग एकदम कन्फर्म हो जाइए ये गलत जवाब है। अगर अपसरित रहेगा दोस्तों तो आप लोग मार देना अपसरित, ठीक है ना, अपसरित ये रहेगा दोस्तों ऑप्शन में, तभी आप लोग इसको टिक करके चले आइएगा। अगर दोस्तों एक औसत भी बोल रहा है तो भी ये दोस्तों एक रूप औसत बोल रहा है तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों आप लोगों को लग रहा है कि मैं गलती बता रहा हूं, ठीक है ना, आप लोग दोस्तों भी कोई मार कर चलोगे, लेकिन मैं सही उत्तर बतलाऊंगा दोस्तों, आप लोगों के साथ मैं धोखा नहीं कर सकता। इसका सही उत्तर जो होता है वो अपसरित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी को यहां पर भी मार सकते हो, ठीक है ना, एक समरूप औसत, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या होता है सी हो जाएंगे, बिल्कुल सही उत्तर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फोन नंबर कहता है कि चुंबकीय फ्लक्स का ए सहमातक क्या होता है। देखिए चुंबकीय फ्लक्स का ए सहमातक क्या होता है दोस्तों, आप लोगों को यही बतलाना है। चुंबकीय फ्लक्स एक होता है विद्युतीय फ्लक्स,
देखिए विद्युतीय फ्लक्स है, वोल्ट मीटर दोस्तों जो भी हो, लेकिन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स पूछ रहा है। देखिए दोस्तों आप लोगों को चुंबकीय फ्लक्स का बतलाना है, यहाँ पर चुंबकीय फ्लक्स का मात्रा क्या होता है। तो एम्पियर तो होगा नहीं दोस्तों विद्युत धारा का, फैराडे तो होगा नहीं दोस्तों ये संधारित्र का, टेस्ला तो होगा नहीं दोस्तों ये चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर होगा। यानी कि दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल दोस्तों लाए हो, एकदम सही उत्तर हो जाएंगे। डी वाले स्टूडेंट बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। यानी कि कहेगा कि चुंबकीय फ्लक्स का ये सही मात्रा क्या होता है, तो आप लोग याद रखना दोस्तों जो होता है इसका मात्रक वो वेबर होता है। तो आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। चलिए चुंबकीय तीव्रता का ये सहमत है क्या होता है, चलिए बताए दोस्तों चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर मीटर होता है कि एम्पियर मीटर स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर होता है कि एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है, बताइए इसका सही उत्तर है। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, जो आप लोगों को आंसर लगता है दोस्तों उसका चैट में आंसर दीजिए, कमेंट करके बताइए। और यही कहना चाहूंगा दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहो, क्योंकि इसी टाइप पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोग दोस्तों अगर ये टाइप का क्वेश्चन सभी लोग नहीं याद कर पाएंगे तो दोस्तों भाई गड़बड़ की बात है, क्योंकि इसी टाइप पर एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाने लगे। एक बार विश्वास तो करके देखिए, एकदम पक्का दोस्तों आपको लाभ होगा। चलिए चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है, बीसी वाला स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि एम्पियर पर मीटर होता है दोस्तों, ठीक है ना। चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है एम्पियर पर मीटर होता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चुंबकीय तीव्रता, देखिए दोस्तों चुंबकीय यो मोत्तर कैसा होता है दोस्तों, ऑप्शन में दिया एक बिंदु होता है, एक रेखा होता है, एक क्षैतिज तल होता है, एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। देखिए इसका सही उत्तर सब लोग बताइए क्या देंगे, एक जो चुंबकीय या मोत्तर जो होता है दोस्तों, चुंबकीय यो मोत्तर, ठीक है ना। और दोस्तों एक चुंबकीय युमोत्तर होता है, एक भौगोलिक युमोत्तर, उसके बीच का कोण दिक्पात कहलाता है। लेकिन यहाँ पर चुंबकीय युमोत्तर जो होता है उसमें दोस्तों वह एक प्रकार का ऊर्ध्वाधर तल होता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चुंबकीय युमोत्तर जो होता है दोस्तों एक ऊर्ध्वाधर तल होता है। चलिए बताइए दोस्तों इसका सही उत्तर क्या देंगे, हीरा का यहाँ पर दोस्तों क्रांति कौन पूछा है। देखिए आशा है कि सब लोग बतला सकते हैं, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में इसी टाइप का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है, मुझे पूरा भरोसा है दोस्तों इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितना गेस क्वेश्चन आपको दिया जाएगा वो सारे क्वेश्चन को याद कर देगा दोस्तों। उसके बाद हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देंगे एकदम आसान लैंग्वेज में, और उसके बाद दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे। आप लोगों को किसी प्रकार का दोस्तों यहाँ पर समस्या नहीं लेना है, किसी प्रकार का डाउट नहीं करना है। तो आप लोग कुछ नहीं कीजिए, जितना ऑब्जेक्टिव दिया जाए बस उसे ही आप लोग याद कर जाइए, एग्जाम में एकदम इसी टाइप क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए हीरा का अपवर्त यहाँ पर दोस्तों क्रांति कौन पूछा। देखिए हीरा का क्रांति कौन जो होता है वो 24.24 दोस्तों 41 होता है। हीरा का क्रांति कौन, पहले ध्यान से समझ लीजिए, हीरा का क्रांति कौन जो होता है वो 24.41 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहो और आंसर देने की कोशिश करो। चलिए बताइए अवरोध से मोड़ने की घटना का दोस्तों क्या कहलाते हैं। देखिए किसी कोर के अवरोध से या किनारे से मोड़ने की जो घटना कहलाती है वो क्या कहलाती है। देखिए दो नंबर का परिभाषा है दोस्तों, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 का जो हुआ था एग्जाम इंटरमीडिएट का, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, कहा गया था कि प्रकाश का विवर्तन क्या है। वहीं से दोस्तों एक क्वेश्चन पूछे गए, देखिए व्यतिकरण क्या है। ये सारा वीडियो आप लोगों के लिए आएगा दोस्तों, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, जितना हो सके दोस्तों इस चैनल के साथ, जितना देर जब तक आपका एग्जाम समाप्त न हो जाए दोस्तों जब तक इस चैनल के साथ बने रहो, क्योंकि दोस्तों हम आपको एकदम बेहतरीन तैयारी कराने की फुल गारंटी एकदम देता हूँ दोस्तों। एकदम कहता हूँ कि सब्जेक्ट क्वेश्चन भी आपको दे दिए जाएंगे, तो आप लोगों को दोस्तों टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर दोस्तों प्रकाश को दोस्तों यहाँ पर अवरोध होगा, ठीक है ना। अवरोध के किनारे से मुड़ने की घटना को दोस्तों विवर्तन कहा जाता है। इनके सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 9 नंबर, किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। देखिए दोस्तों किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है, लाल के लिए, बैंगनी के लिए, हरा के लिए, नीला के लिए, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। देखिए दोस्तों किस रंग के लिए क्रांति को नहीं पूछा दोस्तों, यहाँ पर कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा, क्या पूछा, एक विचलन होता है, एक अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक जो होता है दोस्तों किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिकतम, सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है वो बैंगनी रंग का होता है। आप लोग याद रखना एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। यानी कि किस रंग के लिए क्रांति यहाँ पर दोस्तों अपवर्तनांक जो होगा अधिकतम होगा, तो आप लोग याद रखना बैंगनी रंग के लिए ऐसा होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन करा है कि प्लांक नियंत्रक का मान होता है। देखिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, VVI क्वेश्चन है। देखिए इससे हमें 3-4 ऑब्जेक्टिव आपको बतला देंगे। प्लांक नियंत्रण का मात्रक जूल सेकंड होता है, ठीक है, तो आप लोग इससे भी याद रखना। और प्लांक नियंत्रण का जो मात्रक ये दोस्तों बीमा जो होता है ML² ये दोस्तों एक क्वेश्चन है जो एग्जाम 2020 में पूछा गया है। इनवर्स होता है इनकी, ML² इनवर्स होता है दोस्तों प्लांक नियंत्रण का बीमा। दो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो गए दोस्तों, और एक होता है
दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ठीक है ना, ये दोस्तों जो दिया गया है इसका प्लैंक न्यूनता का मान होता है वो कितना होता है बताइए सब लोग, क्या होता है इसका सही होता है दोस्तों बताइए कौन हो जाएंगे, कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है। चलिए ऑप्शन नंबर सी वाला दोस्तों स्टूडेंट बिल्कुल सही उत्तर आप लोगों ने लगाया, क्योंकि दोस्तों 6.626 गुना गुना का दोस्तों यहाँ पर ये दोस्तों है जो गुना है ठीक है ना, गुना 10 to the power -34 जूल सेकंड होता है दोस्तों आप लोग याद रखना। और प्लैंक ने ताक पर ऊर्जा बटे आवृत्ति होता है, चार ऑब्जेक्टिव आपके जहन में रखना होगा, क्योंकि दोस्तों एग्जाम एकदम इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना, एकदम सारे क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों किसी प्रकार का काम हो तो आप लोग पहले उस काम को निपटा लीजिए, मेरे वीडियो को आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए दोस्तों गेस क्वेश्चन लाता हूँ। देखिए मैं क्यों कहता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने देखा बिहार बोर्ड का टाइप को मैंने समझा, उसी टाइप का क्वेश्चन लाता हूँ, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में ज़्यादा हार्ड भी क्वेश्चन नहीं आता है, ज़्यादा इजी आता है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन होता है दोस्तों ठीक है। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को आप लोग ध्यान रख सकते हो, 6.62 गुना 10 to the power -34 जूल सेकंड होता है। देखो दोस्तों एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं, मुझे लगता है ये क्वेश्चन पक्का एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इम्यून नॉट बराबर 4π गुना 10 to the power -7 हेनरी मीटर, जो कि चुंबकशीलता का दोस्तों रिलेटेड है, ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि एग्जाम में पक्का आएगा, तो आप लोग इससे भी ध्यान रखना, कई वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को बतला देने की, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, हो सके तो दोस्तों मुझे लगता है कि 2022 में यह क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, तो आप लोग देखना दोस्तों कैसा रहता है एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि नहीं, मेरे हिसाब से लगता है ये क्वेश्चन पक्का पूछे जाने वाले हैं। चलिए फोटोन का गतिक द्रव्यमान होता है, देखिए दोस्तों फोटोन का गतिक द्रव्यमान क्या होता है, देखिए दोस्तों विराम द्रव्यमान पूछे या गतिक द्रव्यमान पूछे, ये क्वेश्चन है दोस्तों 2021 के लिए दोस्तों बिहार बोर्ड मॉडल सेट किया था, जारी किया था 17 ऑब्जेक्ट का, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया, जो एग्जाम हुआ था फरवरी में दोस्तों, कितना फरवरी को हुआ था फिजिक्स का, 1 फरवरी का लगता है, जी हाँ 1 फरवरी को, उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा गया था, वहाँ पर पूछा गया फोटोन का यहाँ पर दोस्तों मान गतिक द्रव्यमान कितना होता है, तो आप लोग याद रखना 0 होता है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, 0 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलो दोस्तों तेजी से चलने वाले बिट्टा किन्हें क्या, देखे पहले भी इसका आंसर बता जो यहाँ हूँ, और इसका क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तेजी से चलने वाले, देखिए तेजी से तीव्रगामी दोस्तों कह सकते हो ठीक है ना, तेजी से चलने वाले कहीं पर तीव्रगामी भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है, लेकिन तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन, देखिए दोस्तों तेजी से चलने वाले इलेक्ट्रॉन कौन है, यानी कि बीटा किरण है दोस्तों, जो तेजी से चलने वाले बीटा यहाँ पर दोस्तों क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। देखिए आप लोग दोस्तों कोशिश करो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, आप वीडियो को देखोगे नहीं तो मुझे क्या फायदा, ठीक है दोस्तों, हम आपके लिए एकदम फुल कोशिश कर रहे हैं दोस्तों, जितना हो सके आपको दोस्तों एकदम गेस क्वेश्चन दिया जाए। चलिए अल्फा कण होता है, देखो दोस्तों अल्फा कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है, हीलियम का नाभिक कि हीलियम हाइड्रोजन का नाभिक होता है, देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, यानी कि हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि अल्फा कण जो सुने होते हैं दोस्तों, अल्फा कण बीटा कण सुने होंगे, लेकिन जो उसमें अल्फा कण जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, देखिए दोस्तों अल्फा कण दोस्तों जो होता है हीलियम का नाभिक होता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है, देखिए यहाँ पर आपको 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, देखिए दोस्तों इसके लिए एक वीडियो को लाइक बनता है, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, देखते हैं दोस्तों आप लोग कितने वीडियो को लाइक को पहुंचाते हो, ठीक है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, लाइक में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, पर वीडियो स्टार्ट हो उससे पहले ही आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है दोस्तों हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, बस एक लाइक कीजिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और जितना दोस्तों आपको ज्ञान दिया जाता है वो ज्ञान को आप लोग अर्पित कर लीजिए। तो नॉर गेट का दोस्तों बुलियन व्यंजक पूछा, पहले और गेट का आपको जानना जरूरी होगा, और गेट का जो बुलियन व्यंजक होता है बाई बराबर या गामा बराबर जे बराबर दिया जाए दोस्तों a+b होता है, ठीक है a+b होता है, अगर यहाँ पर दोस्तों n लगा दिए नॉर गेट लगा दिए तो इस पर दोस्तों क्या चला बार चला जाएगा, नहीं समझ में दोस्तों, और गेट का ये हो गया, अगर और गेट का पूछेगा तो ये आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों ये हो जाएगा, अगर नॉर गेट पूछा क्वेश्चन है तो कुछ नहीं करना है यहाँ पर दोस्तों, इस तरह से करना है यहाँ पर बार लगा देना है, नॉर गेट का हो गया, देखिए a+b का दोस्तों यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में तो दोस्तों दिया गया है, नहीं ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन नंबर सी में देख सकते हो दोस्तों दिया गया बाई बराबर जो दिया गया a+b का बार दिया गया है,
ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों आप लोग कोशिश करो वीडियो में लास्ट तक बने के रहने के, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं दोस्तों, बस रहते हैं आपके लिए, ठीक है। तो आप लोग कोशिश करो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने, प्रतिडे एवरी डे करो। चलो भीमा मापी से निम्नलिखित में से कौन सा मापा जाता है, देखिए दोस्तों भीमा मापी से जो मापा जाता है वो क्या मापा जाता है, देखिए प्रतिरोध मापा जाता है, धारा मापा जाता है, सेल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल मापा जाता है कि इनमें से कोई नहीं। देखिए सेल के विद्युत वाहक बल आप लोग सुने होंगे, ठीक है, एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितने ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे विद्युत वाहक बल कहा जाता है, यानी कि सेल का EMF कहा जाता है। यानी कि दोस्तों एकांक आवेश को प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा जितनी ऊर्जा की, सेल यानी कि दोस्तों EMF का जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सेल का विद्युत वाहक बल कहा जाता है। लेकिन विभव मापी से निम्नलिखित में से क्या मापा जाता है, तो सेल का EMF यानी कि विद्युत वाहक बल मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक टेस्ला बल्ब क्या होता है। देखिए दोस्तों एग्जाम में यह क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन मैं कहता हूँ पूछेगा एक क्वेश्चन कभी ना कभी एग्जाम में पूछेगा, हो सके तो ये दोस्तों सेंटअप एग्जाम होगा उसमें पूछेगा, या तो दोस्तों इंटरनेट मॉडल पेपर उसमें पूछेगा, या तो डायरेक्ट एग्जाम 2022 में देखने को मिल सकता है। एक टेस्ला बल्ब जो होता है दोस्तों वन वेवर पर मीटर स्क्वायर होता है, आप लोग याद रखना दोस्तों, देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, वहीं उसका सही उत्तर हो जाएंगे। तो दोस्तों जिस स्टूडेंट का ऑप्शन नंबर बी आया है वो बिल्कुल दम काबिले तारीफ आंसर लाए हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों वन वेवर पर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे क्या एक टेस्ला बराबर। चलिए दोस्तों एक वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है, देखिए ये क्लास टेंथ में भी पढ़ते आ जाएंगे दोस्तों, आशा है कि सब लोग बतला सकते हैं वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, सारे लोग बताइए। देखिए दोस्तों आप लोग बतलाने की कोशिश करो, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे, आप लोग एक बार तो ट्राई कीजिए एकदम पक्का हो जाएंगे याद। इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर जो होता है दोस्तों 1.6, ठीक है दोस्तों 1.6 गुना 10^-19 जूल होता है। देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन बी में नहीं दिया गया, ऑप्शन सी में नहीं दिया गया, ऑप्शन डी में नहीं दिया गया। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आया दोस्तों, आपका आता है बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन में निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि है जो दोस्तों नहीं बदलता है, ठीक है, यानी कि उस पर कोई क्या होता है दोस्तों उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, परिवर्तन नहीं होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन में जो राशियां भौतिक राशियां जो होती है वो नहीं बदलता है, वो तीव्रता तो होगा नहीं दोस्तों, वेग भी नहीं, तरंग दैर्ध्य भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे आवृत्ति, यानी कि प्रकाश के अपवर्तन दोस्तों सुने होंगे, ठीक है ना। इसमें निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशियां है जो नहीं बदलता है, अगर ये तो सब तो बदल जाएगा लेकिन दोस्तों आवृत्ति होगा वो कदापि भी नहीं बदलेगा, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए जाल के लिए क्रांति कौन, देखिए दोस्तों अभी अपने आपको बतलाया दोस्तों कुछ और के लिए किसके दोस्तों हीरा के लिए क्रांति कौन 48 पॉइंट कुछ था, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों जाल के लिए क्रांति कौन पूछ रहा है, तो जाल के लिए दोस्तों जो क्रांति कौन होता है, देखिए दोस्तों हीरा के लिए 24 पॉइंट कुछ में था, ठीक है ना। यहाँ पर जाल के लिए क्रांति कौन पूछ रहा है, तो आप लोग को यही बतलाना है जाल के लिए क्रांति कौन कितना होता है, तो आप लोग कोशिश करो यार इसका सही आंसर देने की। मैंने अभी आपको दोस्तों बतलाया हीरा के लिए 24.41, ठीक है दोस्तों 24.41 ये दोस्तों किसके लिए हुआ था, ये दोस्तों हीरा के लिए होता है। लेकिन जाल के लिए क्रांति कौन की बात करें दोस्तों तो 48.75 था, ठीक है दोस्तों। यानी कि जाल के लिए क्रांति कौन जो होता है 48.75 होता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांच के लिए समांतर सतह की पट्टी की फोकल दूरी क्या होती है, बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। सभी लोग स्टूडेंट बताइए इसका सही उत्तर आप लोगों को क्या लगता है, सभी स्टूडेंट बताइए दोस्तों, आप लोगों को याद कर लेना यहीं पर, आप लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या हो देंगे। कांच के समांतर सतह की पट्टी के लिए फोकस जो होता है दोस्तों वो शून्य होता है, तो सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए दोस्तों प्रोटॉन का विराम द्रव्यमान इस पर आए, देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम 2022 में 21 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रोटॉन का जो विराम द्रव्यमान जो होता है दोस्तों वो क्या होता है बताइए, तो शून्य होता है, क्या होता है दोस्तों शून्य होता है, इससे आप लोग याद रखना जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 22 नंबर की निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सबसे अच्छा चालक निम्नलिखित में से कौन है, देखिए दोस्तों कई लोग सोना माने लेकिन यहाँ पर आप लोगों को सोच समझ के आंसर लगाना है, ठीक है। तो आप लोग कोई वन ऑप्शन दोस्तों लगे, कोई एनी वन ऑप्शन लगाइए, ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा, बताइए
देखिए कह रहा है सबसे अच्छा चालक है, सबसे अच्छा चालक जो होता है दोस्तों वो चांदी होता है, ठीक है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सबसे जो है दोस्तों सबसे अच्छा चालक है, तो चांदी। चलिए इसका आप लोग कमेंट करके बतलाना दोस्तों। वोल्ट मीटर एक होता है, एक वोल्टा मीटर होता है, इसके द्वारा क्या मापा जाता है। देखिए जिसका आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर को पिन कर दिया जाएगा, तो आप लोग कोशिश करना दोस्तों आंसर देने की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर देख सकते हो, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन, 2021 में। कहता है कि विद्युत धुरी का आघूर्ण का ए सह मात्रक क्या होता है। देखिए दोस्तों कूलाम मीटर होता है, लेकिन आप लोग सेंटीमीटर का दापे भी नहीं पढ़ना, ठीक है ना। कूलाम मीटर है दोस्तों, यहाँ पर जो होता है दोस्तों कूलाम गुना मीटर होता है, ठीक है, कैपिटल एम कर लेना दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होता है, विद्युत धुरी का ए सह मात्रक कूलाम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों आवेशित चालक की स्थितित ऊर्जा होती है। देखिए आवेशित चालक की स्थितित ऊर्जा क्या होता है दोस्तों, हाफ सी वी स्क्वायर होता है। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिएगा, आवेशित चालक की दोस्तों स्थितित ऊर्जा जो होती है वो हाफ सी वी स्क्वायर होता है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, जो कि इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आवेशित चालक के अंदर स्थितित ऊर्जा भी हाफ सी वी स्क्वायर होता है। चलिए विद्युत विभव बराबर, देखिए विद्युत विभव बराबर दोस्तों वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता है, ठीक है दोस्तों। अगर इसका बीमा निकालना रहे तो एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू ए बटे ए टी कर दीजिए दोस्तों, इसका बीमा निकाल जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर माइनस टू। यहाँ पर सही उत्तर यहाँ पर देख सकते हो डब्ल्यू बाई क्यू, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, वी बराबर डब्ल्यू बाई क्यू, ठीक है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों विद्युत विभव है, अब विद्युत वाहक बल बराबर डब्ल्यू बटे क्यू होता है दोस्तों, विभवांतर बराबर भी डब्ल्यू बाई क्यू होता है, यानी कि तीनों एक समझ सकते हो, ठीक है। तो आप लोग याद रखना, एग्जाम में पूछे जाएंगे क्वेश्चन इन सारा। चलिए बताइए कि हेने एक हेनरी बराबर क्या होता है, बताइए दोस्तों एक हेनरी बराबर क्या होता है। ऑप्शन ए में दिया गया थ्री, तीन का पावर दोस्तों यहाँ पर दस का पावर तीन एम एच, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे दोस्तों, यानी कि एक हेनरी बराबर क्या होता है, तो टेन टू दी पावर थ्री एम एच होता है, एक हेनरी बराबर होता है क्या, तो टेन टू दी पावर थ्री एम एच, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए कारण प्रतिरोध के रंग में दोस्तों पीला रंग का मान क्या होता है, देखिए पीला रंग का दोस्तों मान पूछा है, पीला रंग दोस्तों देखिए हरा पूछेगा तो फाइव मारेगा, लाल पूछेगा तो टू, और दोस्तों जब पूछेगा पीला तो आप लोग मानना चार, ठीक है दोस्तों। देख सकते हो कौन सा ऑप्शन में दिया गया, पहले यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, सॉरी ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, यानी कि कारण प्रतिरोध के रंग के लिए दोस्तों जो पीला रंग का जो मान होता है वो चार होता है, अगर हरा पूछेगा तो फाइव होता है, और दोस्तों लाल जो होता है वो दो के लिए होता है, यानी कि लाल जो है दोस्तों वो पूछा गया एग्जाम 2020 में है, ठीक है। तो आप लोग इसे याद रखना। चलिए आवेश का पृष्ठ घनत्व क्या होता है, देखिए दोस्तों आवेश का जो पृष्ठ घनत्व वो जो होता है कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल होता है, देख सकते हो कुल आवेश जो होता है बटा कुल क्षेत्रफल होता है, यानी कि दोस्तों कुल आयतन पूछेगा तो कुल आवेश बटा कुल आयतन हो जाएंगे उस कंडीशन में, लेकिन यहाँ पर दोस्तों पृष्ठ घनत्व का पूछा है तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल हो जाएंगे, सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो दोस्तों पानी का पराबैद्युतांक स्थिरांक कितना होता है, देखिए पानी का पराबैद्युतांक स्थिरांक आप लोगों को बताना है कितना होता है दोस्तों, पानी का पराबैद्युतांक स्थिरांक सब लोग बताइए इसका सही उत्तर क्या देंगे। पानी का दोस्तों पूछा है और पानी का जो पराबैद्युत स्थिरांक जो होता है वो 18 होता है, ठीक है दोस्तों 18 होता है, यानी कि यह क्वेश्चन है दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जितना भी क्वेश्चन कराऊंगा दोस्तों इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चन लाऊंगा पराबैद्युतांक स्थिरांक से रिलेटेड, ठीक है, उससे भी क्वेश्चन और भी पूछ सकते हैं दोस्तों, इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, समांतर सतह के वाले कांच की पट्टी की शक्ति होता है, देखिए समांतर सतह वाली कांच की पट्टी की जो शक्ति होता है दोस्तों वो शून्य होती है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समांतर सतह वाले कांच की पट्टी की जो शक्ति होती है वो शून्य होती है, तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चले प्रकाश वर्ष की कौन सी भौतिक राशि का मात्रक है, देखिए प्रकाश वर्ष दोस्तों वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, बताइए आप सब लोग इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे। प्रकाश वर्ष दोस्तों वो किस भौतिक राशि का मात्रक है, दूरी का है, समय का है, ऊर्जा का है, प्रकाश की तीव्रता का है, बतलाइए सब लोग बतलाइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे दोस्तों सब लोग बतलाओ, प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक है, बहुत ही अच्छा, जिसका आंसर ऑप्शन नंबर बी आए हैं कि जिस स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है, सॉरी ऑप्शन नंबर ए दिया है, तो बिल्कुल उसका सही उत्तर हो जाएंगे, यानी कि प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है, प्रकाश वर्ष जो मात्रक होता है वो दूरी का मात्रक होता है, यानी कि सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे।
चले दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक स्वास्थ्य आंख के लिए। देखिए दोस्तों यह क्वेश्चन एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग नहीं समझोगे तो एग्जाम में पक्का मार खा जाओगे। पहले क्वेश्चन को समझिए, एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी पूछा। देखिए दोस्तों ये नहीं पूछ रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम, यहाँ पर फोकस दूरी पूछा। फोकस दोस्तों वो भी दोस्तों आंख के लिए, व्यक्ति के आंख के लिए लेंस की फोकस दूरी जो होता है वो क्या होता है, एक एक एम होता है कि 2 सेंटीमीटर की, 25 सेंटीमीटर की, 1 मीटर। देखे दोस्तों 25 सेंटीमीटर तो बिल्कुल गलत जवाब है, 2 सेंटीमीटर होगा। क्यों? तो एक स्वास्थ्य व्यक्ति के लिए आंख के लिए फोकस दूरी लगभग 25 सेंटीमीटर। अगर दोस्तों यहाँ पर पूछता है एक स्वास्थ्य मनुष्य कितने न्यूनतम कितनी दूरी तक देख सकता है, तो 25 से अधिकतम पूछता तो अनंत हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दोस्तों आँख के लिए लेंस की फोकस दूरी जो होती है दोस्तों, फोकस दूरी क्या दोस्तों, यहाँ पर फोकस दूरी पूछा, इसलिए इसका स्थायी उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलो दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है कि कोणीय आवृत्ति ओमेगा, ठीक है ना, कोणीय आवृत्ति क्या दोस्तों, ओमेगा, ठीक है, नाम तो सुने ही होंगे, ओमेगा ओमेगा, ठीक है दोस्तों, ओमेगा वाले पत्रवर्ती धारा परिपथ में एल परिपथ प्रकाश वाले प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरित प्रतिघात का मान होता है। पहले क्वेश्चन को समझिए दोस्तों, क्या कहा, कोणीय आवृत्ति ओमेगा वाले प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एल प्रकाश वाले, ठीक है, प्रेरक द्वारा उत्पन्न प्रेरणिक प्रतिघात का जो मान होता है दोस्तों वो क्या होता है, तो आप लोग याद रखना ओमेगा एल होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। कहता है कि विद्युत प्रवणता का मात्रा क्या होता है, बराबर दोस्तों क्या होता है, विद्युत प्रवणता बराबर क्या होता है, तो आप लोग याद रखना डीवी बाई डी ओ सूत्र आपके लिए महत्वपूर्ण सूचना। देखिए दोस्तों विद्युत प्रवणता बराबर डीवी बाई डी ओ सूत्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दे दोस्तों, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर दे दोस्तों। अगर आप लोग दोस्तों पहली बार चैनल पर विजिट किए हो तो आप लोग जा करके दोस्तों क्या कीजिए, जो प्लेलिस्ट होता है वहाँ से आप लोग अध्ययन कीजिए, जिससे 6 वीडियो जो पहले वाले थे वो आप लोग देख लीजिए। और प्लस में दोस्तों मैंने केमिस्ट्री का भी करा दिया, हिंदी का भी करा दिया हूँ, और मैथ का भी जल्द आने वाला है दोस्तों, तो आप लोगों को किसी प्रकार का दोस्तों जो होता है डाउट नहीं रखना है। आप लोग दोस्तों मैथ का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हो, वहाँ मैंने आपको करा दिया है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को कम से कम दोस्तों शेयर कर दीजिए, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।